सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पबजी कस्टम रूम्स। और मैं हूं आपका टाइगर नूर। और यहां पर आप देख सकते हो 35 बंदे आ चुके हैं खेलने के लिए। और अगर मैं बात करूं ना यार, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मतलब कि आज जो टाइमिंग था ना, पूरा का पूरा मतलब चेंज हुआ एंड बंदों का पता नहीं था, तभी यार इतने कम बंदे आ गए। बट कोई बात नहीं, 3:20 पे स्टार्ट कर देंगे। कहाँ हम पहले 2 बजे स्टार्ट करते थे, आज इतना लेट हो गया भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, माफ़ कर दो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर ना मैं जस्ट मैच स्टार्ट कर देने वाला हूँ बस 3:20 पे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई बंदे तो आ गए हैं, बट बहुत सारी टीम्स को नहीं पता यार मैच लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं यार, मेरी गलती है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो आज यार जो हमारा मतलब कि मेन फोकस था वो था हमारी फ़न सीरीज़ में, क्योंकि जो टाइगर स्क्वाड जो फ़न सीरीज़ लेके आने वाला है वो भी मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आ जाए। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो लड़की है निकू, ये मैच में चली भी गई, ये क्या बात हुई, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फ़न सीरीज़ की, वो भी जल्दी आने वाली है, उसी का था आज प्रोग्राम। बट यार चेंज करना पड़ा एट ए टाइम, फिर फ्रेंडली मैच लगाने हमने स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर मैच होने वाला स्टार्ट, तो मैं मैच करने वाला हूँ स्टार्ट, तो लेट्स। तो यहाँ पे मैच हो चुका है स्टार्ट, तो जल्दी से देख लेते हैं कितने कितने बंदे आ रखे हैं यहाँ पर। आम डेवल यार, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम और बंदा ऊपर देखता हुआ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पताल लोक में पहुँच गए हम। और यहाँ पर अगर आज ऊपर से देखूँ तो बंदे आज कम दिखेंगे, बट कोई बात नहीं है यार, गलती होगी, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आप बंदे देखोगे भाई, सभी प्लेयर्स रैंडम हैं, बस कुछ ही टीम्स हैं जो मतलब स्कोर में खेल रही हैं, बाकी सभी जो स्कोर्स हैं रैंडम की स्कोर हैं। तो आज यहाँ पर भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बंदे हैं ना मतलब टीम्स नहीं हैं, स्कोर रैंडम ही प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, मैच जस्ट स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप लुक देख सकते हो भाई, स्पॉन आइलैंड की कितना मतलब देर हो गई, कितनी वीडियोज़ में मैंने दिखाई नहीं। स्लैब शेदर का पहाड़ देख सकते हो आप वहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई आज कौन जीतेगा, कहीं आज कोई रैंडम प्लेयर बाजी तो नहीं मार जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 सेकेंड रह गए यार, यहाँ पर यात्री अपनी कृपया पेटी बांध लें यार। और यहाँ पर यात्रा हो चुकी है स्टार्ट, मैं देखना चाहता हूँ रूट, जो रूट है ना भाई यशनाया पुराना से जा रहा है प्री मॉक्स पे। तो यहाँ पर भाई देखने में मज़ा आएगा कि कौन सी टीम कहाँ उतरती है। और यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है लैंडिंग। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत सारे मतलब बहुत बढ़िया मतलब 38 प्लेयर्स आ चुके हैं। और यहाँ पर भाई इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ यार, आप लोग आ गए, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था भाई बंदे आएंगे, क्योंकि ना भी मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन दी भाई मैच होने वाला है, तो बंदे आ गए यार, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो मैच है ना, यहाँ पर अगर मैं टीम्स देखूँ, जो धमाकेदार टीम्स हैं वो उतरना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर टीम नंबर 6 की बात करूँ तो यार ये सभी रैंडम प्लेयर लग रहे हैं, बट दो बंदे जो इनकी एंग्री, यहाँ पर जो बंदे हैं ना भाई, दो बंदे स्क्वाड वाले हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी से डी हैलोस की ओर चलना चाहता हूँ, ये हमारे डेवलियंस की टीम। और यहाँ पर भाई डी हैलोस के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने भाई मतलब कि यार अपने ग्रुप का जो हमारा जो क्लैन है ना उसका नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये किसी और के रूम में खेल रहे थे और वहाँ पर भाई इन्होंने विनिंग। और यहाँ पर यार ये क्या हुआ है यार, यहाँ पर मेरे को पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, हम कहाँ पर हैं यहाँ पर भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है। और यहाँ पर भाई देख सकते हो आप डी हैलोस के बंदे देख सकते हो, यहाँ पर डी हैलोस की फाइट देखने को मिल सकती है किसकी टीम के साथ भाई, अभी देख लेते हैं। टीम नंबर 15 के साथ डी हैलोस की टीम का मुकाबला डी हैलोस की टीम के साथ ही होगा। और यहाँ पर अगर मैं निशनाया की बात करूँ तो बहुत ही सारे बंदे मतलब टाइगर स्कोर की जो मेन स्कोर्स है ना सभी यहाँ पर उतरी है निशनाया में। और यहाँ पर लगभग मेरे को लग रहा है कि 5 या 4 स्कोर्स उतरी हैं। और यहाँ पर यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अगर मैं बात करूँ तो आज जशनाया पोलियाना मतलब कि फेवरेट स्पॉट बनेगा बंदों का। और यहाँ पर अगर मैं रोजो की बात करूँ तो यहाँ पर भी लूज स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं डेथ रूट की बात करूँ टाइगर स्क्वाड के मेंबर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई सबकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर 2 स्क्वाड आ रखी हैं। तो यहाँ पर भाई WNS विजन की टीम के साथ मुकाबला होगा टाइगर स्क्वाड का, तो देखते हैं कि क्या होगा। और अगर मैं वैनम की बात करूँ तो आज अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, टाइगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। WNS की टीम भाई टाइगर स्क्वाड की बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त है भाई, आप भाई ही मान सकते हो, दोनों जो स्कोर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शायद यार इनमें दोस्ती हो जाएगी, मतलब कि कोई शक तो मेरे को लग नहीं रहा। और यहाँ पर भाई जल्दी से जाना पड़ेगा लोस के पास, क्योंकि एक बंदा मतलब कि WNS मैनम ने ना
भाई कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर WNS वेनम ने भाई TRZ को यहाँ पर नीचे गिरा दिया है, नो कर दिया है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भाई बंदों ने देख तो लिया होगा भाई WNS वेनम है आगे, तो क्या वो मतलब के रोकेंगे ही नहीं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, एक बंदा लोस्ट मुक्को से बंदे मार रहे हैं, तो उसके पास चलना पड़ेगा। उसका अगर मैं देखूँ तो भाई स्लोट यहाँ पर सोलो स्कोर बंदा खेल रहा है भाई T8 में, और ये यशनाया में है भाई। यहाँ पर टाइगर शैडो ने भाई TRZ को पूरा का पूरा वाइप कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। टाइगर स्कोर का एक मतलब के किल आ गया, यहाँ पर सबसे पहला किल उन्होंने किया। यहाँ पर भाई लोस्ट की फाइट हो रही है, यहाँ पर भाई एंग्री भैया के साथ, यहाँ पर एंग्री भैया ने पूरा उनको निपटा दिया। मिनी चला रहे थे बट एंग्री भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने निपटा दिया पूरा। यहाँ पर टीम नंबर 10 का जो बंदा था सोलो स्कोर खेलने वाला, वो हमें पूरा छोड़ के जा चुका है। बट अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पर IM Devil की, तो उनकी फाइट हो रही है भाई पोशिंकी में, और उनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 9 के साथ। रैंडम प्लेयर्स हैं भाई बहुत ही ज़्यादा, बट एक बंदा रैंडम नहीं है, ये है ओरा भैया, हमारे स्क्वाड के बहुत ज़्यादा अच्छे, हमारे क्लैन के बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। पिचिंकी में इनकी फाइट हो रही है। यहाँ पर मैं IMT बंदी की बात करूँ तो भाई पानी में देखे मरे, सुमित भैया ने भी एक बंदा नीचे गिरा दिया है, वो बंदा ये रहा। यहाँ पर पूरा किल करेंगे भाई IM Devil भी हमें पूरा छोड़ के जा चुके हैं। टीम नंबर 9 ने एक बंदा मतलब कि पूरा मतलब कि टीम नंबर वन का पूरा मतलब कि वाइप कर दिया। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है जो स्क्वाड वन है ना, वो पूरी की पूरी वाइप नहीं हुई। हाँ मैं सही सोच रहा था। यहाँ पर भाई टीम नंबर वन का बंदा जो के है राहुल, ये जा रहे हैं भाई भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रुकेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइगर शैडो ने WNS Vision को नीचे गिरा दिया, और पूरा का पूरा किल भी कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेल रही है टाइगर स्क्वाड। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि टाइगर स्क्वाड में मतलब कि पूरा का पूरा अपना जो दबदबा बना रखा है रोजों में, WNS किंग पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपना सांप मोड ऑन करके बैठे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई एक बंदे को आसानी से खा जाएंगे, क्योंकि अगर बंदा ऐसे लेटा हो ना, तो मतलब कि भाई आराम से एक बंदा एक दो बंदे तो आराम से स्कोर की खा ही लेता है। क्योंकि मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ, मैंने मारे नहीं है कभी, बट बहुत बार ही मरा हूँ। बट यहाँ पर अगर मैं गेम्सी के बंदे की बात करूँ, हमारी मतलब कि कह सकते हो बेस्ट स्कोर भी कह सकते हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा गेम प्ले खेलते हैं ये, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेले थे। यहाँ पर मैं ऊपर ले चलता हूँ यशनाया पोलियाना में, भाई अभी तक मेरे को फाइट देखने को नहीं मिल रही, बट यहाँ पर एंग्री के बंदे और डिहेलोस के बंदों की फ़ाइट जस्ट होने ही वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फाइट तो मेरे को लग रहा है जब लूट अच्छी हो जाएगी तो एक दूसरे पे स्टार्ट कर देंगे। बट डी हेलोस जी की बात करूँ तो आप देख सकते हो उन्होंने पोजीशन ले रखी है, उनको पता है कि यहाँ आसपास स्कोर्स हैं। यहाँ पर भाई एंग्री नीचे गिर चुके हैं, एंग्री के बंदे के पास चलना पड़ेगा, उनको मतलब पड़ गई है यहाँ से भाई। गेमची के एक बंदे ने नीचे गिरा दिया उनको, तो यहाँ पर गेमची का तो भाई रश होना स्टार्ट हो भी जाएगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको। बट यहाँ पर भाई टीम नंबर 15 की बात करूँ तो यहाँ पर मोली फेंक दी है, और यहाँ पर भाई बंदा मोली की मतलब के मोली के जो डैमेज से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पर क्या एंग्री मतलब हो जाएंगे, मतलब कि टीम नंबर का 6 बंदा रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा एफर्ट्स दिखा नहीं रहा। यहाँ पर स्मोक तो फेंका है, शायद भी भैया हो जाएंगे, बट यहाँ पर डीहेलोस SG ने ना यहाँ पर कर रखा है, शायद स्मोक कर रखा है। और यहाँ पर भाई पुश होना स्टार्ट हो चुका है टीम नंबर 6 के ऊपर, बट पुश नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी टीम आगे नहीं जा रही। और वहाँ गेमसी के बंदों को भी पता चल गया होगा कि हाँ भाई यहाँ पर एक स्क्वाड है, और यहाँ पर डीहेलोस की दूसरी स्क्वाड है। डीहेलोस एन आप देख सकते हो यहाँ पर लेटे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। डीहेलोस की मतलब के जो बंदे हैं ना, मतलब डीहेलोस की अगर बात करूँ तो ये बस दो ही बंदे आ रहे हैं, S और N। यहाँ पर यार डीहेलोस के बंदों की बात करूँ तो ABCD पूरी मतलब अपने नाम के अंदर इन्होंने डाल रखी हैं। कभी जी हेलोस एस मिलता है, कभी एच मिलता है, कभी जी मिलता है, तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया। बट किलर अर्पित के पास भी चलना पड़ेगा यार, किलर अर्पित भी आया, मेरे को पता ही नहीं था यार, चलना पड़ेगा जल्दी उनके पास। तो यहाँ पर किलर अर्पित मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर T नंबर 7, अरे हमारे हाइड्रा डायनेमो भी आए हैं और हमें पता ही नहीं। यहाँ पर T नंबर 1 का एक बंदा तो यहाँ पर नो कर दिया है, और इनके दूसरे बंदों की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। बट जल्दी से जशनाया पोलियाना में जलना पड़ेगा, क्योंकि गेम ची के एक बंदे ने डीहेलोस के एक बंदी को नो कर दिया, डीहेलोस जी को। तो यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा मामला जो है गर्मा गर्म होता हुआ, क्योंकि एक बंदा डीहेलोस का नोक है, थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ उनके ऊपर। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और गाइस यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जल्दी ही लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम वाला जो है ना, हमने मतलब कि जुगाड़ पूरा फिक्स कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम होगी।
पहले भी करते थे, बट पहले हमारे पास वाईफाई नहीं होता था, बट अभी वाईफाई हमने लगा लिया है, तो वाईफाई के ऊपर जल्दी से हम स्ट्रीमिंग करेंगे और मैं आई होप आपको भी मज़ा आएगा। और यहाँ पर यार एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, और लाइक भी कर देना वीडियो को, बट सब्सक्राइब मेन है यार, सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। यहाँ पर भाई किलर अर्पित के पास चलना चाहता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पर भाई नंबर वन के एक बंदे को पूरा मारा। और हाइड्रा डायनो की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हाइड्रा डायनो, मेरे को लग रहा हाइड्रा डायमो ने भाई कार्लो की जो थी स्किन खरीद ली, बट नहीं। तो यहाँ पर भाई निंजा की बात करूँ, यहाँ पर निंजा ने एक तो किल निकाला यार, यहाँ पर देखना पड़ेगा, किल नहीं नॉक किया है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भाई निंजा और यहाँ पर कृष्णा पर यहाँ पर जो सबसे घातक फाइट है ना वो स्टार्ट हो चुकी है यार, इस रूम की सबसे घातक फाइट यही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीम्स यहीं हैं। और यहाँ पर भाई एक बंदा मतलब कि खो दिया अपना टीम नंबर सिक्स ने। और यहाँ पर भाई हेलमेट वेस्ट नहीं है इनके पास, थोड़ी सी मुश्किल पोजिशन में है। और यहाँ पर टीम नंबर 15 ने पीछे से भाई रिस्क कर दिया, यहाँ पर टीम नंबर सिक्स का ना पूरा सैंडविच हो रखा है, मतलब बहुत गंदे तरीके से मरेगी अगर मरी तो। और यहाँ पर डी उस जी की बात करें तो वो शायद गेम ची के बंदे उनको देख लेंगे, निंजा उनको सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि निंजे की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर गेम ची की मैं अगर बात करूँ तो भाई उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पर भाई सभी बंदे आराम से दिख रहे थे उनको, सभी के सभी बंदे आराम से सपोर्ट हो रहे थे भाई डीहल्स जी को। और यहाँ पर शैडो की बात करो तो किंग ने शैडो को नीचे गिरा दिया, और मेरे को यहाँ तक लगेगा वो नीचे मतलब कि पूरा का पूरा किल भी करेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई टाइगर हंटर भी नीचे गिर चुके हैं, तो यहाँ पर डेथ रूट मार रहे हैं, और बॉय साहब बहुत मुश्किल डब्ल्यू एन एस किंग मरे। और यहाँ पर भाई टीम अपनी को रिवाइव देते हुए दोनों बंदे डीहेलोस के जल्दी से पास चलेंगे, क्योंकि डीहेलोस की टीम ने एक बंदा तो नीचे गिरा दिया है, तो जल्दी से उनके पास चलते हैं डीहेलोस के पास। यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मैं जल्दी से आगे चला जाता हूँ। यहाँ पर टीम नंबर सिक्स पूरी की पूरी वाइप हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरे को लग रहा है जी हाँ टीम नंबर सिक्स पूरी वाइप हो चुकी है। यहाँ पर भाई टीम नंबर फोर का और टीम नंबर 15 की फाइट चल रही है, यहाँ पर निंजा नीचे हो चुके हैं नो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 15 का भी एक बंदा नॉक हो चुका है, दो बंदे वर्सेस थ्री बंदे। यहाँ पर भाई किलर टीम नंबर 4 के भाई दो बंदे नीचे गिर चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ भाई दो ही बंदे बचे हैं, तो क्या वो अपनी टीम को संभाल पाएंगे। यहाँ पर भाई एक बंदा और नॉक हो गया, और यहाँ पर डीहेलोस की टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेल रही है, पूरे बंदों को किल कर लिया। और यहाँ पर गेम जी हंटर बहुत ही ज़्यादा पीछे थे, टीम बच नहीं पाएगी। यहाँ पर गेम की रेक्स बच जाएंगे यहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो मतलब कि थोड़ा सा वॉल की उनके कवर मिल रहा है। तो यहाँ पर अपने बंदे को पहले देंगे वो रिवाइव, फिर कुछ करेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे। और यहाँ पर अगर मैं गेम ची हंटर की बात करूँ तो यार उन्होंने पोजीशन तो ले रखी है, बट आ नहीं रहे अपने बंदों को बचाने के लिए। यहाँ पर एस के एस के ऊपर भाई 6x लगाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि भाई मतलब फ्री फायर ही कर रहे हैं, जस्ट गोली लग नहीं रही उनको। तो यहाँ पर क्या उनका बंदा वो अपने दोस्त को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भाई वो चला रहा होगा अरे भाई आ जा मेरे को रिवाइव दे दे, मेरे को रिवाइव दे दे, बट भाई मतलब कि क्या कहूँ भाई, एक्सीडेंट मत हो जाइयो। तो यहाँ पर टीम नंबर 10 देख सकते हो आप, गेम ची की एक और स्कोर है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो वो स्कूल के एरिए में, और टीम नंबर 7 के बहुत ही ज़्यादा पास हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर टीम नंबर 7 के साथ इनकी फाइट भी हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा। बट मेरे को नहीं लग रहा है, इनको पता है, बट ये बंदे ओके तो ये बंदे यहाँ आ चुके हैं, और डीहेलोस जी ने ना भाई गेम की रेक्स को नीचे गिरा दिया, और यहाँ पर हमें पूरी की स्कोर छोड़ के जा चुकी है पूरी की पूरी। यहाँ पर भाई टीम नंबर 7 को पता चल चुका है भाई एक स्कोर आ गई, यहाँ पर नेड भी हो रखा है भाई, ये है भाई आर्यन भैया अपनी गेम ची के बंदों के साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 3v4 होगा, तो यार सभी के सभी बंदे छत पे हैं, बट भाई इनकी टीम के पास भी किलर अर्पित हैं, सोल किलर है, ढाईटा डायनमो है, जो कि बहुत अच्छी टीम है। तो क्या यार ये एक भी बंदा मार पाएंगे गेम ची का, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। गेम ची की एक बंदी के राणा जी की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा खेले राणा जी, पिछले मैच में भाई लास्ट तक गए, बहुत ज़्यादा बढ़िया राणा जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया राणा जी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, सोल किलर नीचे गिर चुके हैं, यहाँ पर हाइड्रा डायनो नीचे गिर चुके हैं, किलर अर्पित ने वहाँ से एक बंदा तो नॉक किया, बट यहाँ पर भाई हाइड्रा डायनो की टीम पूरी हमें छोड़ के जा चुकी है। बहुत ज़्यादा बढ़िया फाइट देखने को मिली, बढ़िया मतलब बढ़िया तो थी, बट थोड़ी बहुत ज़्यादा कम फाइट देखने को मिली। यहाँ पर 2 मिनट लगे भाई, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, 10 सेकंड लगे पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप करने में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो जोन है ना छोटा हो रहा है,
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर पोचिंकी अभी जोन में ही है, और डेथ की बात करूँ तो यहाँ पर टाइगर स्क्वाड अभी तक पूरी टिकी हुई है और सभी की सभी साथ में है। बहुत ज़्यादा बढ़िया, जोन में नहीं है। और यहाँ पर भाई साहब सभी बंदे यहाँ पर अभी तक अपनी दी हेलो एस और जी ने जी हैं या एन है मेरे को पता नहीं, अपनी पोजिशन ले रखी है। और जो फाइट हो रही है आगे हो रही है, उस्ताद अमित नीचे गिर चुके हैं अपने बंदे को और वाइब दे रहे हैं। बट यहाँ पर भाई जो भी टीम इनके साथ लड़ रही थी पूरी की पूरी वाइब कर दी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई बस टीम नंबर 18 और टीम नंबर 15 बची है, जो कि है डी हेलोस की ही टीम। डी हेलोस की टीम जी बंदे बचे हैं, पूरी की पूरी स्क्वाड बची है अभी तक। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ अमित की, उनके पास मेरे को लग रहा है हेल्थ नहीं है, तभी वो हेल्थ लगा नहीं रहे। जोन में है तो उनको जोन में मतलब कि जोन में है तो उनको जल्दी से हेल्थ लगानी चाहिए, और मेरे को नहीं लग रहा वो जोन में जा पाएंगे। यहाँ पर हेल्थ लगानी मेरे को लग रहा है, स्टार्ट तो करी है बट यहाँ पर बैंडेज लगा रहे हैं, तो ये तो गाड़ी में भी जाकर लग सकते हैं। बट अगर मैं एयर की बात करूँ तो यहाँ पर भाई टीम नंबर 5 को भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया एक ड्रॉप तो मिल गया है, मतलब कि एक मिल चुका है क्या उसे कहते हैं, ड्रॉप मिल चुका है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पर अगर मैं दूसरे बंदों की बात करूँ तो भाई यहाँ पर दूसरे बंदे कहाँ पर हैं, दूसरे बंदों के पास चलते हैं। यहाँ पर हम चलना चाहते हैं अभी टीम नंबर, अभी फ़िलहाल सभी बंदे सेफ हैं, गन फाइट होने के चांसेस नहीं हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। यार टीम नंबर 11 की बात करूँ तो यार वो गाड़ी में, और यहाँ पर टीम नंबर 10 बहुत ही अच्छा के लिए भी टीम नंबर 7 को मतलब जस्ट किल ही करके हटे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बेंचो, भगवान पूरा कर रहा है हमारा, परीक्षा ले रहा है, परीक्षा ही कहते हैं ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई ड्रॉप के बहुत ज़्यादा करीब हैं टीम नंबर 10 के बंदे, और क्या, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई जोन छोटा हो रहा है, और यहाँ पर बहुत ही जो भी अच्छी स्कोर्स है ना सभी की सभी वही बची। ओरा की बात करूँ तो उनकी टीम भी अभी तक मतलब अलाइव है, और वो अपनी मतलब के दो बंदों के साथ, दो नहीं पूरी स्कोर के साथ जा रहे हैं ब्रिज के पास। और यहाँ पर आप गाड़ी देखोगे उनकी तो भाई पूरी की पूरी गाड़ी भरी भर रखी है बंदों के साथ, और वो गाड़ी खुद चला रहे हैं। यहाँ पर देखना देखने में आएगा मज़ा, यहाँ पर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो एक बंदा जोन में ही मतलब कि नॉक हो चुके हैं, और वो हैं भाई 5 स्क्वाड के बंदे। और अगर उनके मैं दूसरे प्लेयर की बात करूँ तो वो भाई उनके पास है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अरे वो तो भाई मतलब कि अगर पास होते भी ना फिर भी नहीं मतलब बचा सकते थे इनको, क्योंकि ये जोन से बाहर हैं, ऊपर से ये ऑफलाइन हैं, तो भाई कैसे बचते। तो यहाँ पर भाई ये तो हमें छोड़ के जाएंगे, बट टीम नंबर 1 की भाई मैं एक बंदे की यार बात करना चाहता हूँ। भाई अभी तक अपने बंदो अपनी जो मतलब के स्कोर को बचा कर रखा है, मतलब टीम नंबर 1 स्लॉट को अभी तक नीचे नहीं जाने दिया, अभी तक फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। तब तक जब तक वो जिंदा है तब तक भाई उनका स्कोर का नाम लिया जाएगा। और यहाँ पर टीम नंबर 15 उनके बहुत पास है बट वो उनके दूर भी जा रही है। यहाँ पर एक और एयर ड्रॉप आ रहा है तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जोन जहाँ पर बनेगी, ये थर्ड एयर ड्रॉप है। तो यहाँ पर इनके ड्रॉप के अंदर DBS है, जो कि मेरे को नहीं लगता कोई गन उठाएगा। और यहाँ पर AR का सप्रेसर भी पड़ा है भाई, वो तो उठा ही लेना चाहिए यहाँ तक मेरे को लग रहा है। और यहाँ पर भाई नीचे गाड़ी आ चुकी है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये गाड़ी किसकी होगी, ये टीम नंबर 10 की है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई और आ रही है गाड़ी, ठीक है उसके बंदे आ गए भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है टीम नंबर 10 वर्सेस डी हेलोस, क्योंकि डी हेलोस की टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम है। यहाँ पर फाइट हो चुकी है स्टार्ट, तो यहाँ पर गेम चीन ने मंदिर सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर सुमित को बहुत ही अच्छी खासी डैमेज मिली है, कोरा नीचे गिर चुके हैं। और यहाँ पर भाई गेम चीन के बंदे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब के पोजीशन में, यहाँ पर एक नेड हुआ भाई हाइपर के करते, नहीं हाइपर नहीं रॉक क्रॉस की करते। यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छा पूरी की पूरी गो है, टीम वाइप हो चुकी है, टीम नंबर हाइपर गेमर समय छोड़ के जा चुके हैं। बट पिक्चर अभी बाकी है, अमित भैया डी हेरोस की टीम आ चुकी है, मेरे को नहीं लगता सर्वाइव कर पाएंगे। बट यार डी हेरोस की यार दो दो टीम से यहाँ पर, और यहाँ पर लगता है जिश्नाया पुलियाना में भाई दोनों टीम ने अपना मतलब कि क्या सर्वाइव यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर देखने को मज़ा आएगा भाई। तीन तीन स्कोर्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गेम ची के बंदों के ऊपर अच्छी खासी मुसीबत, और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। डी हेलोस के बंदों को अभी तक पता नहीं है बंदे कहाँ पर हैं, और जो लगता है कि जोन से अभी आए ही हैं, और उनकी जो
उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर फ्री स्टार्ट तो हुई गेम ची ने भाई एक बंदा नो कर दिया है। यहाँ पर भाई स्टार्ट हो चुकी है डी हेलोस ची ने ना गेम ची राणा जी को नीचे गिरा दिया है। और यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी फायर देखने को मिल सकती है यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंगल व्यू से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना जी दो दो बंदों से भिड़ने वाले हैं। और यहाँ पर आर्यन बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर क्या डी हेलोस जी को नीचे गिरा देंगे ये या नहीं, यहाँ पर ये है चिराना जी रिवाइव हो रहे हैं चांस से। यहाँ पर भाई दोनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा फ्री फायर कर रहे हैं और यहाँ पर आर्यन नीचे गिर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर मैं बात करूँ वो यार राणा जी भी रिवाइव हो चुके हैं, फिर से नीचे गिर चुके हैं। और शान जी की बात करूँ तो वो भाई मतलब के फ्री फायर दे रहे हैं फिर से, बट यहाँ पर भाई हमको हाइपर गेमर तो छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ पर आर्यन भी हमें छोड़ के जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। भाई टीम नंबर 5 का एक बंदा और आ चुका है, यहाँ पर टीम नंबर 7-2 भी आ चुकी है। यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड टाइगर हंटर की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, बट वो वहाँ नहीं रुकना चाहते क्योंकि उनको पता है बहुत सारी स्क्वाड की फाइट उधर चल रही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्मोक्स पे स्मोक हो रहे हैं और टीम नंबर एटी ने भी अपनी पोजीशन ले रखी है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा मैच चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्मोक ही स्मोक हो रहे हैं। यहाँ पर डी हेलोस की टीम की अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 15 की, तो एक ही बंदा बचा है, दूसरा बंदा रिवाइव है और जल्दी ही मर जाएगा। यहाँ पर भाई वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर जी बचे हैं, यहाँ पर डी हेलोस जी ही बचे हैं बस टीम नंबर 15 की बात करें। यहाँ पर डी हेलोस एन ने शान को नीचे गिरा दिया, बट यहाँ पर एस के ऊपर फायरिंग हो रही है। बट डी हेलोस एस बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए यहाँ पर अगर मैं गेम ची के बंदों की बात करूँ, पहले भाई राणा जी रिवाइव हो रहे थे, शान उनको रिवाइव कर रहे थे, अभी भाई शान रिवाइव हो रहे हैं राणा जी की ओर से, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये भाई वक्त का मतलब के चक्कर होता है भाई, कभी आप किसी को रिवाइव देते हो और कभी कोई आपको रिवाइव देता है। तो यह भाई कभी भी अपने ऊपर मतलब अहंकार ना करें, जो वक्त आप पे आता है वो दूसरे पे भी आएगा, नहीं जो दूसरे पे आता है वो आप पे आएगा, ऐसा मैं कहना चाहता था यार। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़ाई हो रही है। डुओ ही बच गए टीम नंबर 18 और यहाँ सिंगल बंदा बचा है भाई डिहेलोस का जो है टीम नंबर 15 में। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो भाई टाइगर डेथ रूट की, तो उनको मतलब कि टीम नंबर मेरे को लग रहा है 5 को उनका पता चल गया, बट यहाँ पर भाई टीम नंबर 5 का बंदा जो कि है शाओशिंशा भाई आप देख सकते हैं उनका नाम यहाँ उर्दू में लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर उन्होंने भी फायरिंग की है, बट मेरे को लग रहा है उनको फायरिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या इतनी अच्छी पोजीशन में है फायरिंग की। यहाँ पर हाँ भाई अच्छी तो पोजीशन है यार, ये हेलमेट कहाँ से मिलता है यार इतना अच्छा हेलमेट। यहाँ पर गेम ची राणा ने डी हेलोस जी को नीचे गिरा दिया है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शान नीचे गिर चुके हैं और यहाँ पर भाई राणा जी इनको फिर वाइब देने आएंगे या नहीं आएंगे, बट यहाँ पर भाई डी हेलोस की जो 18वीं टीम है उन्होंने रश करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर शान जी हमें छोड़ के जा चुके हैं, राणा जी ने पोजीशन ले रखी है, मेरे को नहीं लग रहा राणा जी बच पाएंगे, क्या बच पाएंगे। यहाँ पर राणा जी ने इसको नीचे गिरा दिया है भाई साहब, और डी हेल्स एन के ऊपर प्रेशर आता हुआ थोड़ा सा। और यहाँ पर गेम ची राणा जी की मतलब के भाई मतलब के अंडर एस्टिमेट मत करो। यहाँ पर एन की बात करूँ थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ उनके ऊपर कि अपने दोस्त को कैसे बचाएं, मेरे को लग रहा है पहले वो अपने दोस्त को मतलब के बचाएंगे, बट यहाँ पर भाई मतलब के आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लिट हो गए। यहाँ पर भाई गोलियाँ कनेक्ट तो हुई हैं बट इतना ज़्यादा मतलब कि एक लिट नहीं हो पाई। यहाँ पर मेरे को लग रहा है एस को मतलब के रिवाइव पूरा वाइप कर देंगे, यहाँ रिवाइव हो जाएंगे मेरे को पता नहीं है। राणा जी मेरे को लग रहा है एस को पूरा अभी वाइप ही कर देंगे अगर एस को उनकी मतलब के आ गया देखकर आ गया, बट एस को यहाँ पर मैंने कहा था ना एस को पूरा रिवाइव करेंगे मेरे को पता था, क्योंकि उनको पता था क्योंकि अगर एस रिवाइव हो जाते तो उनके लिए खासा दिक्कत हो जाती। अभी स्मोक किया उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर पहले करते तो शायद हमें छोड़ के ना जाते एस जाजी, मेरे को ख्याल नहीं है। यहाँ पर भाई 1-2-1 फाइट हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा बढ़िया राणा जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ राणा जी ने अपना बदला भी ले लिया, जो पिछला मैच हुआ था ना राणा जी टॉप 2 में थे और जो टॉप 1 की टीम आई डी हेलोस की टीम आई थी और डी हेलोस की टीम ने राणा जी को मारा था जो कि अकेले ही बचे थे, और यहाँ पर भाई अपना रिवेंज कंप्लीट कर लिया राणा जी ने। राणा जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर भाई आपने पूरी स्क्वाड करी है डी हेलोस की ख़त्म,
बहुत ज़्यादा बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया, एक नहीं दो दो स्कोर्स। और यहाँ पर वैनम के पास चलूँ तो वैनम ने टीम नंबर फाइव को बुरा का बुरा मतलब वाइप कर दिया। टीम नंबर फाइव बहुत ही चिर से मतलब कि भाई मतलब कि वेट कर रहे थे, बचे हुए थे, बट यहाँ पर फाइनली बच चुके हैं। चार टीमें बची हैं और यहाँ पर टीम नंबर वन के प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर अभी तक बचे हुए हैं और बस खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, मतलब कोई बंदा आसपास नहीं है, बस वैसे ही पी करके देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ उनको तो भाई जस्ट पी और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर भाई क्या मतलब कि लुक सी लग रही है बंदों की यार, देख सकते हो आप क्या लुक है, नाइस। बट यहाँ पर अगर इनके साथ रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पर फाइट हो गए। और यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा कम बंदे रह गए भाई, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टाइगर स्पोर्ट के लग रहे हैं चांसेस भाई, चिकन के चांसेस लग रहे हैं टाइगर स्पोर्ट के। क्या वो दो बारी जीत पाएंगे क्या वो दो बारी इस रूम को, ये तो देखना पड़ेगा यार। ये तो यहाँ पर गाड़ी तो निकाल ली है, यहाँ पर जोन में चले गए हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई दूसरे टीम्स की, तो क्या मतलब कि गेम ची यहाँ पर लोगों को लग रहा है गेम ची राणा जी पीछे हट चुके हैं और डी हेलोस एन भी पीछे हट चुके हैं। यहाँ पर भाई साहब टीम नंबर टू टाइगर हंटर्स की टीम आ चुकी है डी हेलोस एन के पास। यहाँ पर डी हेलोस वर्सेस टाइगर वन वर्सेस स्क्वाड, क्या मतलब क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर भाई पोजीशन तो ले रखी है डब्ल्यू एन एस वैनम ऊपर चल गई है, यहाँ पर चक्कर भी बना रखा है। और यहाँ पर शैडो के मतलब के शैडो ने सपोर्ट कर लिया है डी हेलोस को, मेरे को लग रहा है यहाँ पर फायर तो नहीं किया। बट यहाँ पर वैनम की बात करो तो वैनम पूरा चक्कर लगा के आए हैं और यहाँ पर डी हेलोस ने अपनी पोजीशन ले रखी है। डी हेलोस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में अगर मैं बात करूँ डी हेलोस की। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका क्या वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, पीछे से अगर मैं बात करूँ तो वैनम आएंगे शायद, बट नहीं वैनम आगे चले गए फिर से। तो यहाँ पर टाइगर स्कोर ने रश करना स्टार्ट कर दिया है, डेथ रूट सबसे आ गए हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है रश भाई साहब, क्या बच पाएंगे डी हेलोस। और यहाँ पे जस्ट रश होने वाला है और यहाँ पे वास्ट और यहाँ पे डी हेलोस हमें छोड़ के जाएंगे जहाँ फिर बाघ बाघ के मरेंगे। यहाँ पर भाई पूरी स्कोर एक बंदे के पीछे पड़ी है, यहाँ पर मैंने नीचे गिर चुके हैं बट यहाँ पर डी हेलोस एंड जाने वाले हैं। ओके तो फाइनली डी हेलोस एंड हमें छोड़ के जा चुके हैं भाई साहब, क्या फाइट देखने को मिली भाई, इतनी अच्छी, एक बंदा तो नीचे गिरा दिया बट भाई लक ने साथ नहीं दिया, पूरी स्कोर को कैसे मारते। यहाँ पर तीन बंदे बचे हैं, टाइगर स्कोर को अगर जीतना है तो दो ही बंदे मारने, तो भाई यार प्लीज़ आ जाइए, जीत जाए बंदे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला ये बंदा, नंगा होके भाई घिसट घिसट के जोन के अंदर जाता हुआ। यहाँ पर भाई इनकी जो हिम्मत है उसकी मैं डाल देता हूँ, मेरे को ऐसे बंदे इतने यार इतने कूल से लगते हैं ना, इतने फनी लगते हैं, आप देखो कैसे यार ये छुप छुप के खेल रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैं तो चाहूँ तो इसको ही देखता रहूँ क्योंकि मेरे को ऐसे रैंकते बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं मैच में होता ना तब तो देख नहीं पाता, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कितना फ़नी सा सीन होता है, कैसे बेचारा छुप के जा रहा है यार, कैसे इनको लगी कि चिकन डिनर चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई क्या भाई बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर भाई आप देखोगे तो इनको यहाँ पर पोजीशन ले रखी है भाई, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं इनके हेलमेट की बात करूँ, हेलमेट इन्होंने बहुत गंदा पहन रखा है, दूर से ही दिख जाएंगे आराम से। और यहाँ पर अगर टीम नंबर 10 की बात करूँ गेम ची के बंदे की बात, तो टाइगर शोक स्कोर है ना यहाँ पर जोन में ही है, तो कोई बात नहीं है, वो नहीं जाएंगे अभी, गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे शायद। और यहाँ पर टाइगर स्कोर डेथ रूट हंसते हुए बैक के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्या जीत पाएंगी स्कोर ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर टीम नंबर वन अपना मतलब कि अभी बस बैठ जाएंगे आराम से, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट बंदे देखेंगे कहाँ पे है, कुछ और नहीं, क्योंकि ये जहाँ जाना था चले गए जोन की एजस पे। टीम नंबर राणा जी की बात करें, राणा जी ने 7 किल किए हैं, राणा जी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेले, डी हेलोस के पूरे बंदों को मारा उन्होंने, डी हेलोस की पूरी स्क्वाड उन्होंने वाइप की 18वीं। और अगर मैं दूसरी स्क्वाड की बात करूँ तो उनका भी एक दो बंदे उनको ही मारे। तो भाई राणा जी आपका बदला कंप्लीट हो गया, अभी आप आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर डेथ रूट की बात करूँ तो पी कर रहे हैं, पता नहीं किसके ऊपर, पहाड़ी के ऊपर ही पी कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको गाड़ी लेकर अभी जाना चाहिए यार, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जोन में सबसे ज़्यादा टीम नंबर स्कोर ही है, बाकी तो एजिस पे हैं बट वो थोड़ी सी जोन के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ऐसे। तो कौन जीतेगा गाइस, कौन जीतेगा मतलब कि
80% चांस लग रहे हैं, 80% चांस लग रहे हैं टीम स्कोर टाइगर के, टाइगर ही जीतेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बट भाई मेरे को तो अभी बात ही नहीं आ रही यार, बंदे लड़ नहीं रहे, अभी मैं क्या बोलता रहूँ, क्या बोलता रहूँ आपके लिए। तो यहाँ पर कौन जीतेगा यार, यही मैं बार बार क्यों बोली जा रहा हूँ, और मेरे को कोई बात सूझ ही नहीं रही, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हम इनको छोड़ के गए थे, एक भी इंच आगे ना ही आगे ना ही पीछे, वहीं ही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, अभी जब जोन बनेगा तो ये रेंग रेंग के फिर से अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा जोन किसके फेवर में आता है। यहाँ पर टीम नंबर 2 की बात करूँ तो भाई साहब टीम नंबर 2 गेमची के पास जा रही है, गेमची के पास जा रही है, गेमची के पास जा रही है भाई, यार बहुत ही पास में से मुड़ी यार, डेथ थ्रू ड्राइविंग कर रहे हैं, जान नहीं नहीं डब्ल्यू एन स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर भाई। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग साथ जो बंदे खेल रहे होंगे ना, टीम नंबर गेमची और भाई दूसरे, उनका तो दग दग हो रहा होगा भाई, कैसे चिकन होगा, कैसे चिकन होगा। बट यहाँ गेमची भाई राणा जी के बहुत ही ज़्यादा पास जा चुके हैं, और राणा जी भाई उनके बहुत ज़्यादा पास जा चुके हैं नंबर 1 के पास, और यहाँ पर भाई अगर नीचे गिरे तो भाई बस ये क्या किया? ओके, तो यहाँ पर डेथ थ्रू ने भाई साहब राणा जी को मार दिया है। यहाँ पर मेरे को जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पर भाई टाइगर स्कोर के 90% चांसेस है चिकन डिनर के, और यहाँ पर फायर तो हो रहा है इनके ऊपर, यहाँ पर क्या टीम जीत जाएगी आज टाइगर स्कोर। यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भाग रहे हैं, बट फाइनली आज पहली बार टाइगर स्कोर जीत चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पर अगर मैं किल्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किल्स निकाले टीम नंबर 3 ने, जो कि है भाई गेमची की टीम, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेले ये बंदे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गेम प्ले देखने को। तो यार आज के लिए बस इतना ही, तो अगर आप लोग भी खेलना चाहते हो अपनी स्कोर के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ आप ग्रुप ज्वाइन करो और आपके साथ भी खेलेंगे। और यार एक और बात दो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अरे मैं चाहता था 30 मिनट हो ही जाए, बट यहाँ पर भाई 4-5 सेकंड बचे हैं, तो चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, फिर से एक बार ही कह देता हूँ, यहाँ पर आधा घंटा कम।